वेलकम बैक डॉक्टर साहब। ये जो अभी उन्होंने कहा कि 7-8 हज़ार मरीजों को रोज़ाना फ्री मेडिसिन दी जाती है, ये जो जाली अद्वियात हैं ये तो सारे आपके पास आते हैं, ये जो दवाइयाँ देने वाले हैं वो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेप। हाँ, तो वो इसको चेक करने का क्या क्राइटेरिया है? चौधरी साहब, हमारे पास तो बाकायदा कमेटी होती है सर्जन्स की, फिजिशियंस की, हर डिपार्टमेंट की। वो दवाइयाँ सेलेक्ट करती हैं, वो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ कतन सेलेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वो उस डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर वो सब स्टैंडर्ड दवाई दे देगा उसका मरीज़ ख़राब हो जाएगा, लिहाजा वो बदनाम हो जाएगा। इसलिए जो कमेटी का जो इंचार्ज होता है वो उसी शोबे का होता है, लिहाजा सब स्टैंडर्ड दवाई कम अज़ कम हमारे अस्पताल में मुमकिन नहीं है। हम मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल किस्म की दवाइयाँ ले लेते हैं, स्टैंडर्ड की दवाइयाँ। ये एक वबा फैली हुई है पाकिस्तान में सब स्टैंडर्ड दवाइयों का। अफसोस की बात यह है कि सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ मार्केट में आम मिलती हैं और लोग ख़रीदते हैं क्योंकि सस्ती है। तो इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, इसको देखने के लिए, उनका कोई फ़ायदा भी होता है फिर जाली दवाइयों का कि नहीं? फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि जो दवाई आप किसी बीमारी के लिए खाते हैं वो अंदर एक और बीमारी पैदा कर देता है, तो वो उसकी वजह से जो है वो बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। तो ये सब स्टैंडर्ड फूड और सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ, ये दोनों इंसानी जान के लिए बहुत ख़तरा है। अगर आप कमज़ोर बेकार किस्म का तेल इस्तेमाल करते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, आटा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपकी बीमारियां बढ़ेंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आजकल बहुत अच्छा एक्शन लिया है कि अवामी मसाइल के ऊपर, दूध के ऊपर, पानी के ऊपर, ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो इंसान इस्तेमाल करता है, और हमारे मुल्क में यही चीज़ें सब स्टैंडर्ड हैं, तो उसकी वजह से फिर बीमारियाँ बढ़ती हैं। हमारे हॉस्पिटल में ये है कि ये पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ इनडोर और आउटडोर जितने मरीज़ हैं उनको 100% हम दवाइयाँ फ्री देते हैं और बगैर किसी चार्ज के। और इनडोर जो मरीज़ होते हैं जिनको महंगी दवाइयाँ दी जाती हैं और ऑपरेशन, आजकल एक ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन भी हो जाए तो 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। वो तो कहते हैं महंगी दवाई आप देते नहीं, पर्ची बना कर दे देते हैं। हमने आज तक कभी मरीज़ को पर्ची लिख कर नहीं दिया, ये हमारा ट्रेंड नहीं है, हमारा सेवा नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में आप विजिट करें, पूरे हॉस्पिटल में किसी एक मरीज़ ने भी कहा कि जी मुझे पर्ची लिख कर दिया तो हम मुजरिम हैं, क्योंकि हम जो इनडोर मरीज़ हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है या जिनका इलाज हो रहा है, जो मरीज़ एडमिट है उनको 100% हम दवाई जो है वो फ्री एंड कास्ट देते हैं। और जितनी भी महंगी दवाई हो, जैसे डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि हम कैंसर की दवाई, शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की महंगी दवाइयाँ हम फ्री देते हैं। तो आपके पास अवेलेबल होती है स्टॉक में वो? हम लोग जो है, हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हम एक महीने की दवाई अगर अपने स्टोर रूम में जमा करते हैं तो एक महीने का फिर एडवांस ऑर्डर देते हैं, जब ये ख़त्म होने लगती है तो वो दूसरी दवाई पहुँचना शुरू हो जाती है। तो हमें पिछली दफ़ा जब वो जो धरना वरना और ये कुछ हुआ था, उस दिनों में कुछ क्राइसिस हुए थे कि कराची से दवाई आने में, ट्रकें पहुंचने में और ये ट्रेनें वगैरह पहुंचने में देर हुई थी, लेकिन कभी कभी होता है, लेकिन स्मूथली हमारा काम चल रहा है। अच्छा जी, नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट साहब, ये एसटी साहब, ये फरमाइए, ये जो सफाई होती है बड़ा रोल प्ले करती है, ये हॉस्पिटल की सफाई जो है ये बीमारियों के फैलाव से भी रोकी जाती है और यही से फिर लोग सेहतियाब भी काफ़ी हो जाते हैं, उसको किस तरह यकीनी बनाती है कि हॉस्पिटल साफ़ सुथरा रहे? वो हमारे पास वर्कर्स हैं, मतलब हमारे सैनिटरी वर्कर हैं, आया है, और हम लोग उनके साथ उनको कह के चेक रखते हैं कि भाई सफाई प्रॉपर हो। वो तो डेली का चेक होता है, मतलब बाल्टी खाली करना, दूसरी सफाई, मतलब साथ वो हमारे पास मैन पावर है जो इससे हम करते हैं। कितनी नर्सें हैं इस वक्त आपके पास? हमारे पास इस वक्त 245 हैं, लेकिन हमारी नर्सेज बहुत कम हैं। हॉस्पिटल चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, उस हिसाब से हमारे पास नर्सेज नहीं हैं। मतलब अब 35-40 पे अगर एक नर्स काम कर रही है, वर्कलोड ज़्यादा है नर्सेज के भी। 35 मरीज और एक नर्स? हाँ जी बिल्कुल, इस ये रेशो हमारे 35-40 पे रेशो। हाँ जी, और ये है कि फिर उसमें हमारी हेल्प कितनी होनी चाहिए? आलमी स्टैंडर्ड क्या है? आलमी स्टैंडर्ड 2:1 है ना आईसीयू में, तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा सिलसिला, नहीं नर्स और 35 पेशेंट्स। लेकिन थोड़ी सी हेल्प हमें स्टूडेंट से मिल जाती है, जो हमारे पास नर्सेज स्टूडेंट नर्सेज आती हैं वो हेल्पफुल हो जाती हैं एक सीनियर नर्स के साथ इवनिंग नाइट में, चूँकि मॉर्निंग में तो हमारी सारी सीनियर नर्सेज होती हैं, चूँकि मॉर्निंग उन्होंने स्टूडेंट्स ने स्कूल में क्लासेस लेनी होती हैं अपनी, तो नर्सेज की शॉर्टेज जो है वो हमारा मेन इशू है। डॉक्टर तस्नीम साहब, ये भी फरमाइएगा, अभी जैसे बात कर रही थी डॉक्टर साबिदा के, ये स्वाइन फ्लू है, ये डेंगी है,
एक इस्लाम आबाद का मेन इशू है कि पोलन एलर्जी, जब भी अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाए तो अभी से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। बाद जो मेरे साथ जो बंदे काम करते हैं उनसे वो चले जाते हैं, अपने घरों को चले जाते हैं, पुराने इलाकों को, वो कहते हैं तो रह नहीं सकते। इसका क्या हाल है जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, पोलन एलर्जी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई और ये मार्च के सीज़न से स्टार्ट हो जाती है। ये मंथ स्टार्ट हो गया है जिस मंथ में हमारे पास लोग जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफ फ्लू इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी होती है उनको सबसे पहले ये एडवाइस करते हैं कि आप लोग ये सीज़न आने से पहले ये जगह छोड़ दें, बिकॉज जैसे इसके नाम से वाजे है पोलन एलर्जी, तो एक ख़ास दरख्त है जिसके पोलन जैसे ही हवा में आते हैं और वो सांस के थ्रू उनके फेफड़ों की तरफ जाते हैं तो उसके बाद ये मसला खड़ा हो जाता है। इसकी प्रिवेंटिव मेजर ये है कि जब जिनको पता है कि वो नॉन केस हैं पोलन एलर्जी के, वो ये मौसम आने से पहले ही अगर एंटी एलर्जिक स्टार्ट कर दें। और इसी तरह एक और मेडिसन है जिससे जिसका फॉर्मूला नेम मोंटिलुकास सोडियम है, वो प्रिवेंटिव मेजर के अंदर आती है। वो टाइम से पहले अगर शुरू कर दें तो वो बचा जा सकता है उस मौसम में जब वो पोलन का मौसम आए। ये क्यों आपने कहा जी इलाका छोड़ दें, इलाका छोड़े बगैर कोई हल नहीं इसका? नहीं, वो तो उस सूरत में है जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं और जिनको मेडिकेशन से आराम नहीं आ रहा। इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है एलर्जी का, इस पोलन एलर्जी का, या मैक्सिमम जितनी भी एलर्जीज इस वक्त हैं उनका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। हमारे मुल्क में क्या, बाहर अब्रॉड में भी कोई इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अब मैं एक सवाल पूछ लूं डॉक्टर साहब। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पेशेंट्स जो है ना ऑलमोस्ट डेली 9 to 10,000 आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की परसेंटेज वही है जो पहले थी, तो वो सही से जब डॉक्टर्स काउंसलिंग भी नहीं कर सकते, इतने पेशेंट्स उन्होंने देखने होंगे, तो वो फिर उन्हें अपने क्लिनिक का कार्ड देते हैं, आप मेरे क्लिनिक में आ जाएं इवनिंग में, तो इस हवाले से आपके हॉस्पिटल में क्या है? देखिए, पॉलीक्लिनिक के हॉस्पिटल्स के बारे में मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि यहाँ के डॉक्टर्स चाहे बर्डन बहुत ज़्यादा है लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। और मैं चूँकि कर्टिसी सेंटर की इंचार्ज हूँ, जहाँ पर हमारे पास सारी जो है वो मिनिस्टर्स, MNAs और हमारा 20 ग्रेड अबव स्टाफ जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो आ रहे होते हैं, तो मैंने हमेशा उनसे ये सुना है कि वो पॉलीक्लिनिक की मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये छोटा सा सेटअप है, इसमें कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, हमें पता चलता है हमारा कोई प्रोटोकॉल आ रहा है। अगर नहीं प्रोटोकॉल, कोई एक आम बंदा भी है लेकिन एक्सीडेंट के साथ प्रेजेंट हुआ है, तो छोटे से सेटअप में एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर में कम्युनिकेट करने में उतना टाइम नहीं लगता, और फौरन उसको अगर OT भी लेकर जाना है तो विदिन 2-3 मिनट्स वो OT में मौजूद होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात अपनी जगह कि ये एक छोटा सेटअप है, यहाँ ट्रीटमेंट ऐसी हो रही है, लेकिन फिर भी देर इज़ अ नीड कि हम इसको एक्सटेंड करें। हमारे हॉस्पिटल के सामने प्लॉट है अर्जेंटाइन पार्क, जहाँ जिसका नाम है, और हमारा ये प्लान काफ़ी अरसे से चल रहा है। उसके लिए तो सुना है पैसे वैसे भी रख देते हैं लेकिन वो बनता नहीं है। बिल्कुल सर, ये प्लान, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। तो आपके जो वजीर हैं उनसे बात करें ना जी, वो इसको बनवाए जी, वो उस पर काम कर रहे हैं। मैं खुद कैड में मीटिंग्स अटेंड कर चुकी हूँ, हम लोगों ने कोर्ट के थ्रू इस लैंड के लिए हमारा कोर्ट में केस भी चल रहा है, फिर इस पर अभी मीन वाइल स्टे हुआ है जिसकी वजह से कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन या कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अच्छा खलील साहब, आप क्या कहेंगे, आप भी अपनी कोई माशाल्लाह नौजवान हैं, ये एलर्जी का जो जिस तरह बताया डॉक्टर साहब ने, इसका कोई इलाज उलाज नहीं है, ये क्यों नहीं है, इसका इलाज होना चाहिए यार? एलर्जी चूँकि मतलब ये इम्यूनिटी सिस्टम का डिरेंजमेंट होती है। वजह इसकी क्या बनती है, ये हमारा कोई खुराक सिस्टम है, माहौल है, क्या ये आलूदगी है, क्या है ये, क्या है ये होती है? मैं भी जी, हर इंसान के लिए डिफरेंट एलर्जन हो सकते हैं। हाँ। किसी को डस्ट से हो सकती है, किसी को खाने से हो सकती है, हो सकता है कोई दही खा रहा हो उससे उसको एलर्जी हो जाए। तो ये जिस्म का एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है जो जिसने रिकग्नाइज करना है कि जिस्म के अंदर कोई जरासीम तो नहीं आ गया या कोई बाहर की चीज़ तो नहीं है जिसने जिस्म को नुकसान पहुँचाना है, तो वो उसके खिलाफ काम करती है। तो वो जब कई दफ़ा नॉर्मल चीज़ों को भी जिस्म गलत पहचान लेता है, वो फॉरेन इन्वेडर समझ के उसके खिलाफ वो अपना अमल स्टार्ट कर देता है। तो ये एक इनबिल्ट हो सकती है, इनहेरिटेड हो सकती है, जैसे विरासत में आ जाती चीज़। तो वो फिर उसके लिए फिर अभी तक फ़िलहाल प्रिवेंटिव मेजर्स ही हैं जो आपने उस एलर्जन से अवॉइड करना है, उसका एक्सपोजर नहीं आपने होने देना। तो ये इतनी मोटी मोटी किताबों का क्या फ़ायदा, ये इलाज लो जी इसका, फिर जी इसका। आप डॉक्टर सालिह साहब, आप फिजिशियन हैं माशाल्लाह, मुझे ये बताइए, तो जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं एलर्जीज के हवाले से, और डॉक्टर के पास बंदा चला जाए तो वो तो पता नहीं इतना कुछ बता देते, वो अगला बंदा वैसे परेशान हो जाता है।
انسانی جسم میں اتنی تبدیلیاں یہ کہ بڑی تیزی سے آج کل رونما شروع ہو گئی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو ہمارا جو ہے ناقص خوراک جو کہ ہم تک پہنچ رہی ہے, دوسری بات ہے ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل کہ جو کہ ہم سیڈنٹری لائف سٹائل کے کھا پی کے بیٹھ جانا, ورزش نہ کرنا, لیٹ جانا زیادہ, اور دوسری جو تیسری چیز ہے وہ سوچ کا زیادہ عمل, یعنی کہ جو دماغی پریشانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہماری ہیلتھ کے اوپر نگیٹو افیکٹ ڈال رہی ہیں. حتیٰ کہ جو نیو ریسرچ ہے اس کے اکارڈنگلی تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی عمر ایون 200 ایئرس تک بڑھ سکتی ہے, لیکن وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اس کو ماحول اچھا ملے, اس کو خوراک اچھی ملے, وہ مینٹلی طور پہ اتنا سیٹسفائیڈ ہو کہ وہ سب چیزوں کو ایزیلی کوپ اپ کر سکے, اس کی باقاعدہ ورزش وغیرہ ہو. تو یہ تو میڈیسن وغیرہ جتنا ہم لوگ دیتے ہیں, جتنے ہماری ڈائگنوسس بنتی ہے, یہ تو ایک بیمار جسم کے لیے. اچھا, جو سب سے پہلا انسٹنکٹ کسی بھی چیز کا ہوتا ہے, جس طرح ہم لوگ انیشیلی سب سے پہلا جو کیا کہتے ہیں وہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیز سے بچا کے رکھو, ٹھیک ہے؟ تو وہ بچانے کا سب سے پہلا کام آ جاتا ہے, علاج تو سیکنڈ لائن کے اوپر آتا ہے. تو وہ یہ, اگر ہمارے پاس سب چیزیں اگر اچھی طریقے سے پرووائڈ ہو رہی ہوں, ہماری خوراک اچھی ہو, ہماری نیند اچھی ہو, ہمارا ماحول اچھا ہو, ہماری واک پراپر ہو, ہم ایزیلی ان سب چیزوں سے کوپ اپ کر سکتے ہیں. اچھا جی, ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, جس ملک میں پانی صاف نہ ہو, خوراک جعلی ہو, غیر معیاری ہو, دودھ ملاوٹ والا ہو, ایون کہ وہ جو کھانے پینے والا تیل ہے وہ ملاوٹ والا ہو, اس میں انسان اپنا خیال کیسے کرے, مجھے بتائیں آپ. اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اور کیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. اب ظاہر ہے دودھ کو ملاوٹ کے بغیر کرنا ہم سب کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم 30 منٹس کی واک ڈیلی کر لیں. یہ وہ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں, ملاوٹ والا دودھ پی کے واک کر لیے, بے شک کر لیں جی. کم از کم یہ کہ غیر صحت مند چیزیں جو ہیں جن چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں ایسی چیزیں ہم چھوڑ تو نہیں سکتے, مطلب تیل یہ چیزیں جو ایسی ہیں جو ہم ڈیلی کھانے میں, کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو آپ اوائڈ کر نہیں سکتے بجائے اس کے کہ ان پہ کڑتے رہیں. نہیں, وہ واک کرنے سے ہمیں دودھ نکل جائے, ملاوٹ نکلے نہیں. اس میں یہ ہے کہ جتنی زیادہ جو جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں, اگر ہم 30 منٹس کی واک کرتے ہیں, شوگر کا, چکنائی کا, نمک کا استعمال تھوڑا کم کر لیتے ہیں, دن میں 5 دفعہ کوئی ایک پیس سبزی کا پھل کا کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, گوشت اور چکنائی سے پرہیز, کم از کم یہ وہ چیزیں جو ہم اپنے لیول پہ تو کر سکتے ہیں. اب ہم لوگ جنرلی دودھ کو بلیم کر لیں گے, گوشت کو بلیم کر لیں گے, ہر چیز کو, لیکن خود کیا کریں گے کہ جی 1 کلو بیٹھ کے گھی ایک ہی وقت میں بیٹھ کے, چاہے گندا ہے چاہے صاف ہے, جیسا مرضی ہوٹل ہے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, اس کے بعد ٹائیفائڈ لے کے اسپتال آ جائیں گے, اور پھر دوائیاں اور پھر ہاسپٹلس کو قرض اور ڈاکٹرس کو قرض کرنا. آپ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ آپ خود جو آپ کی اپنی جسم کی ذمہ داری ہے, آپ کی صحت کا خیال رکھنا, وہ آپ خود پوری کریں. ڈاکٹر مصطفیٰ سلگی صاحب, ویسے آپ اس قوم کو میرے سمیت داد نہیں دیں گے کہ جڑی قوم گھوتے کھا کے بھی زندہ ہے ہیں جی, وہ اس کے باوجود بھی وہ کام کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں, وہ خاص کر لاہوری, لاہوریوں نے اتنے گھوتے کھائے ہیں وہ لاہور کے اندر جیتا ہی نہیں. وہ یہ کہ دیکھیں اسی نہیں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ ہمارے یہاں بطور قوم جو ہے یہ کیوں نہیں یہ چیز آتی کہ ان چیزوں ملاوٹ سے ہم یہ کام نہ کریں. باہر کے ملکوں میں دیکھیں, وہاں پہ تھوڑی بھی چیز ملاوٹ ہو جائے وہ عمر کے تک سزا دے دیتے ہیں, یہاں پہ وہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. بیسک چیز یہ ہے کہ اویئرنیس کی, ابھی جو میڈیا آیا ہے اس نے کافی اویئرنیس پیدا کی ہے کافی جگہوں پہ, شہروں میں, دیہاتوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ اویئر لوگ ہو رہے ہیں ان چیزوں سے. دوسرا یہ کہ حکومت کا کام ہے, یہ حکومت یہ جو ہے نا سارے پرابلم میں ان پہ دھیان نہیں ہوتا, سارا دن پالیٹکس چلتی ہے اور ان چیزوں کو کوئی بھی دیکھتا نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے ابھی ایکشن لیا ہے تو ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کچھ فائدہ ہو جائے, لوگوں کو صحت ٹھیک ہو جائے. یہ ناظرین, یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ چیر پھاڑ بھی کرتے ہیں اور سرنجے بھی مارتے ہیں, ہمیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ ڈال ڈال کے ہمیں چیک چوک کرتے رہتے ہیں. اب یہ پتہ کرتے ہیں کہ ان کی جو ذاتی لائف ہے وہ کیسی ہے, وہاں پہ کیا کرتے ہیں. یہ جو استوری صاحب ہیں یہ بھی بیگم سے لڑتے ہوں گے میری طرح, ادھر بھی
खाते हो गुटछुट भी खाते हो गए, चाट भी खाते हो गए, और जो हमारी खवातीन डॉक्टर्स हैं ये अपने घरों का ख्याल किस तरह करती हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ चौधरी साहब, ये आपने बहुत दुखती रग पर हाथ रखा है। हकीकत ये है कि डॉक्टरों की जो लाइफ है बल्कि फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि हॉस्पिटल जो है ये इमरजेंसी है, कोई आदमी अपनी बीमारी को छुपा नहीं सकता है, दर्द को रोक नहीं सकता है, वो अस्पताल पहुंचेगा। जब अस्पताल पहुंचेगा तो उसके लिए डॉक्टर लाजमी है, डॉक्टर लाजमी है तो दवाई लाजमी है, तो हमारी लाइफ जो है वो 24 घंटा अस्पताल से वाबस्ता होती है, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स ऑन कॉल होते हैं, किसी भी टाइम उनको बुला दिया किसी वक्त भी। मैं ज़ाती तौर पर मैं जो है तकरीबन हर हफ्ते में 4-5 दफ़े शाम को चक्कर मारना पड़ता है, तो फिर घर वाले तो डिस्टर्ब होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टरों के जो बच्चे जो है बेचारे जो है वो तवज्जो उन पर कम होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने वाले डॉक्टर, उनको भी उसी कैटेगरी में रखा है जो 17 ग्रेड के लोगों का होता है। उसूली तौर पर तो इनको जब ये FPSC करें एग्ज़ाम दे दें तो ये इनको 18 ग्रेड दिया जाए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो जाए। पूरे मुल्क के अंदर जो हायर डिग्री है, जो हायर एजुकेशन है, सबसे ज़्यादा जो तालीम एग्ज़ाम देते हैं वो डॉक्टर्स देते हैं। तो हमारा मुतालबा भी ये है कि जब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट होते हैं उनमें से एक ही होगा आपका बेसिक। हमारा मुतालबा ये है कि डॉक्टर को जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो तो उसको 18 ग्रेड दिया जाए। ईश्वर साहब ये फरमाइएगा, आप अपनी फैमिली को टाइम किस तरह देती हैं, क्योंकि बड़ी टफ जॉब है आपकी भी। जॉब तो टफ है लेकिन ये है कि इवनिंग और नाइट मतलब हम लोग घर पर होते हैं, लेकिन जब कोई खुदा न खास्ता एमरजेंसी हो जाए तो फिर 24 आवर्स भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो फिर बच्चों का अल्लाह मालिक होता है। वैसे तो मतलब कोशिश होती है कि जो टाइम हमारा है फ्री में वो घर में यूटिलाइज किया जाए। तो रोटी छोटी भी खुद पकानी होगी नहीं? हाँ जी, रोटी तो फिर खुद ही पकानी होती है, सुबह उठ के सारा काम करके फिर ही ड्यूटी पे आना होता है, वरना तो फिर। और जैसे डॉक्टर शरीफ ने कहा कि प्रमोशन, हमारी नर्सिस का मेन इशू प्रमोशन बना हुआ, चूँकि हमारी 3 साल हो गए DPC नहीं हो पा रही है, हम लोग अपर ग्रेड में जाने के लिए बैठे हुए, अब इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेके 20 ग्रेड तक नर्सिस पहुँच गई हैं अपनी हायर क्वालिफिकेशन के बाइस, लेकिन हमारे पॉलीक्लिनिक में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इशू चल रहा है कि हमारी प्रमोशन DPC नहीं हो रही है। तो आज आपके थ्रू ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे तरफ भी ध्यान कर लिया जाए। हाँ जी, और स्टूडेंट्स हैं पूरे पंजाब में, कराची में उनके स्टाइपेंड्स इंक्रीज हो चुके हैं, लेकिन हमारी बच्चियां वही 6,000 पे जो इनिशियल था उसी पे अभी तक काम, बहुत ज़्यादा इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर फजल ने भी प्रॉमिस किया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं हमारी बच्चियों के लिए भी। तो आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि चलो हमारी नर्सिस के भी प्रॉब्लम। बिल्कुल 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 डॉक्टर तबस्सुम साहब, ये आप फरमाएं कि फैमिली को किस तरह टाइम देती हैं, बच्चे जो है वो खुश होते हैं कि गुस्से रहने के जो थोड़ी अम्मी चली गई आई नहीं? जी सर बिल्कुल, आपका तो होता भी असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेरे ख्याल तो एडमिन के मामला भी आपके पास जी। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम भी ज़्यादा हैं, 2:30 बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम होता है ड्यूरिंग द वर्किंग डेज। तो बहुत लकी हैं वो सब डॉक्टर्स जिनके पेरेंट्स हयात हैं, क्योंकि जितना मैं अपनी फ्रेंड्स डॉक्टर्स को जानती हूँ मेजॉरिटी वही हैं जो अपने बच्चों को अपनी माओं के पास छोड़कर आती हैं, बिकॉज उनसे ज़्यादा बेहतरीन परवरिश कोई और नहीं कर सकता उनकी एब्सेंस में। और हमारी नेचर ऑफ जॉब को हमारे पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं, उन्होंने हमें डॉक्टर बनाया है, वो देखते हैं कि हम लोग किस तरह पढ़ा हमने और हम इस फील्ड में आए हैं। लेकिन जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाते हैं और आपके पेरेंट्स बहुत दूर हैं या आपके लॉज आपके साथ नहीं रह रहे हैं, तो फिर जो है वो एक मशीन की तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। सुबह उठ के नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, लेना, जो सोसाइटी में इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर आप किसी दूसरे पर रिलाई भी नहीं कर सकते अपने औलाद के मामले में। ये बात है। तो हम यही बात सोचते हैं बीइंग एजुकेटेड पेरेंट्स कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, किसी की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर भी हम अपना मेन फ़र्ज नहीं भूल सकते बीइंग अ मदर और बीइंग अ फादर। क्या बात, क्या बना लेती हैं खास अगर कुछ डिश बनानी हो तो क्या जाए आपसे? सब कुछ मैं खुद कुकिंग करती हूँ, मेरे घर कोई मेड नहीं है। फिर भी बता रहे पति की स्पेशलिटी होती है जी, मैं सब अच्छा बना लेती हूँ। बिरयानी बना लेती हैं जी? बिल्कुल बना लेती। क्या बात है जी। फलीक साहब, आपने भी कोई शादी का लड्डू चखा कि नहीं चखा है? शादी किताबों से होगी या खिदमत खल्क से होगी? शेख रशीद वाला जो है ना दया मुझे वो कह रहा सियासत से होगी है, लेकिन वो उसकी हर सियासी पेशन कोई गलत साबित होती है। ये अभी शादी नहीं करने का मूड शूट कर रही है अभी? स्लीपलेस 30 आवर्स 36 आवर्स कहाँ वक्त मिलता है इन कामों के लिए? अच्छा जी, वो ले आए घर वाली, वो फिर पूरा पूरा महीना नहीं सोने देना उन्हें।
सारी जिंदगी मेरा ही काम रहेगा, वजह की है बस वक्त कम है। कहते हैं बच्चे जवान होते हैं तो वालदेन का बोझ कम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स जब जवान होते हैं तो उल्टा वालदेन पे फैमिली पे थोड़ा बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी ड्यूटी इस तरह की है, हेक्टिक लाइफ है। आपको जब फारिग वक्त मिलता है तो आप क्या करते हैं फिर, क्या मसरूफियात होती है आप जैसे दोस्तों की? फारिग वक्त कम ही मिलता है, इतना मिलता है कि आप नींद पूरी कर सकें अपनी। तो गाना जाना आता है? गाना नेचर गा रही है, इसी के म्यूजिक को सुने। अरे तो बड़ा फर्जबीजा बंदा है। चलें ठीक है जनाब। डॉक्टर सौरदुलस्लाम साहब आपके, आप बताएं, फैमिली शैमिली है? जी बिल्कुल है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। क्या बात, कैसे मैनेज करते हैं आप, टाइम कैसे देते हैं? उस तरह तो किसी और के लिए बाइट से देख कर घर भी लेके जाते हैं, घर पे भी इससे ज्यादा बड़ी किताबें हैं और इससे अलावा और भी ज्यादा पढ़ी हुई फिर भी बड़ी मदद तेरे साथ देने वाले जी। तो फैमिली जो है वो माशाल्लाह से वो बहुत कोऑपरेट करती है हमारे साथ। हमारी जो नेचर ऑफ जॉब है जिसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझते हैं कि अगर इन ऑड टाइम हमने घर वालों के साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि हम उनको कहीं पे लेके जाएंगे तो वहाँ पर वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो सक रहा होता है क्योंकि हम लोगों की जॉब रिक्वायरमेंट इस तरह की आ जाती है कि कोई पेशेंट सीरियस है या हम लोगों को अर्जेंटली पहुँचना एट द टाइम ज़रूरी है, तो हम लोग ज़रूर उन सब चीज़ों को साइड लाइन करके और मरीज़ के लिए मस्त पहुंचते होते हैं और ये हम सब का एक चेन सा बना हुआ है। तो और माशाल्लाह से इसी के अंदर हमें खुशी भी महसूस होती है कि ऑल्दो कि हम लोगों ने फैमिली को पीछे करके जो है मरीज की तरफ तवज्जो दी है लेकिन हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन इसी से मिलती है। क्या बात है। डॉक्टर साबिदा जी कभी मियाँ से कोई झड़प झड़प हुई है? जी कभी कभी हो जाती है। किस बात पर होती है? बस जब कभी स्ट्रेस थोड़े हो जाओ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है। लेट आने पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। वही जैसे डॉक्टर सौलत कह रहे थे कि हमारी फैमिली शायद अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है कि वी आर ब्लेस्ड विद वेरी गुड फैमिलीज। हमारे पेरेंट्स और उनके बाद हमारे स्पाउसेस बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। मिड नाइट में काम करना है, इवनिंग में, नाइट में, जब भी कभी जाना है, हमारे पेरेंट्स का और हमारे स्पाउसेस का हमारी ज़िंदगी में कॉन्ट्रीब्यूशन और आगे इवन हमारे बच्चे वो इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि उन्हें पता होता है। जैसे डॉक्टर सौलत बता रहे हैं कि जो मर्जी हमारी कमिटमेंट्स हैं, द फर्स्ट कमिटमेंट इज़ ऑलवेज द पेशेंट। कितने टाइमिंग जैसे मैं कि दिन में रात में मैं अपने बच्चों को छोड़ के किसी भी पोजिशन मतलब उनके साथ कोई भी कमिटमेंट्स हैं सबको पीछे करके हम रश करते हैं और हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन हमारे बच्चे इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि उस चीज़ को समझते हैं कि मेरी मदर के लिए इस वक्त सबसे प्राइम प्रायोरिटी पेरेंट वो पेशेंट्स हैं। और ये कि इस वक्त आप क्या बना लेती हैं सबसे ज़्यादा, मियाँ को बेवकूफ़ बनाने के अलावा? खाने में, खाने में सब कुछ बना लेती हैं। सब कुछ आ जाता है ना। एक गाल दसो, शायद आपको बिरयानी पसंद है इसलिए बता रही बिरयानी बना लेती हूं। नहीं नहीं वो ऐसी बात नहीं, बिरयानी तो वैसे कह दिया। लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती हैं, लड़का एक काम कर सकता तो लड़कियां जी अल्लाह ताला ने फीमेल में रखा था मल्टीटास्किंग की, फिर बच्चे हॉस्पिटल सब कुछ एक साथ हो कर सकती है। इस सवाल को उल्टा कर लेता हूं, आपके मियां को आपके हाथ की बनी कौन सी चीज पसंद है? चलो जी सही, मेरे मियाँ जनरली बहुत ज़्यादा नखरा नहीं करते, सब कुछ खा लेते हैं। बड़ा टेक्निकल जवाब देता है उन्हें शायद मटन कढ़ाई पसंद है। सुलंगी साहब आपने सेनेट का इलेक्शन तो नहीं आ रहा है? सेनेट का इलेक्शन? हाँ नहीं यार, वो तो हम हारे हैं, हमारा बंदा हार गया, काम चली आ गया, वो उसको 8 वोट मिलने तो उसको 5 मिले, हमारे 3 वोट गैप हो गए। संजीदा आप हुए बैठे हैं, आप बताएं कि घर में भी इसी तरह संजीदा रहते हैं जिस तरह यहाँ बैठे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, जॉली तबीयत है यहाँ, मेरी पब्लिक डीलिंग होती है। अच्छा। तकरीबन ये जो अमाउंट बताया था पेशेंट्स का, इन सब को डील करना होता है और एक से बढ़कर एक पेशेंट आता है। हाँ एक से, और कोई गालियां भी देता है, कोई बदतमीजी भी करता है, वो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, इस तरह के लोग भी आते हैं? हाँ लोग, हालांकि इनको फ्री मेडिसिन, हालांकि पढ़े लिखे लोग भी, डायरेक्टर जनरल की लेवल के लोग भी आके बदतमीजी करते हैं। ये तो बड़ी गलत बात है जी, ये नहीं होना चाहिए। ये जो है ना बड़ा पेनफुल है हमारे लिए, ये रवैये जो है ना, ये इंसानी रवैये में तब्दीली आनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि बाकी ड्यूटी टफ ड्यूटी, डॉक्टर आपकी खिदमत करता है, नाज़रीन डॉक्टरों का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। देखिए अपने घर बार छोड़ के वो आपकी जो है वो सर्विस के लिए मौजूद होते हैं, तो ये बड़ी बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए जी।
कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, फिर माइक वापस कर दो। और हाँ, आज आप लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगा, मतलब आप लोगों के लिए प्रायोरिटी आपके पेशेंट्स हैं, फैमिली सबको छोड़ के, और मतलब जिस तरह से लोगों के माइंड में होता है डॉक्टर्स जो है ना बहुत क्रूअल होते हैं और इस तरह से, लेकिन आइडिया हुआ है कि आप लोगों के लिए प्रायोरिटी पेशेंट्स हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऑब्वियसली आप लोग लोगों की जान बचाते हैं, और मतलब एक्सटेंट से लोग जो लोग आते हैं इतने जख्मी हालत में उनको आप देखते हैं, आप घर से आएंगे बच्चों को छोड़ के, फैमिलीज को छोड़ के। अच्छा, ये जो मेडिसिन फ्री होने वाली बात है और 7-8 हज़ार मरीज आप रोजाना देखते हैं, स्ट्रेंथ भी आपकी कम है, अभी एस्टर बता रही थी कि नर्सिंग स्टाफ भी कम है, वो जज्बा क्या है जिसके तहत आप यहाँ पे? ये हॉस्पिटल सिर्फ जज्बे की वजह से चल रहा है। WHO कहता है कि 20 मरीजों के लिए एक OPD में डॉक्टर होना चाहिए, जबकि हमारा एक डॉक्टर 80 से 100 मरीजों को देखता है। तो ये जज्बा ही है कि वो इतने मरीज़ों को देखता है, उतने मरीज़ों को टेस्टें लिखता है, इतने मरीज़ों को दवाएँ प्रोवाइड करते हैं, एक्सरेज होते हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं, ये जज्बे की बात है। और ये मैं आपको एक फिर बात बता दूं कि चूँकि पॉलीक्लिनिक अस्पताल बहुत पुराना हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद का हर आदमी इस अस्पताल के छोटे स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक सब के साथ वाकिफ़ है, तो लिहाजा यहाँ लोग अपने घर की तरह आते हैं, घर की तरह जाते हैं, लोग यह फेमिलियर हैं, यहाँ से लोगों के ताल्लुकात हैं, उठना बैठना गुज़श्ता 66 साल यानी 50 साल से ज़्यादा हो गया इस हॉस्पिटल को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद के लिए एक सेहत का सबसे बड़ा मरकज़ है। और इस हॉस्पिटल ने जितने भी इस वक्त इस्लामाबाद में हॉस्पिटल है इन सबको जो सीनियर डॉक्टर्स दिए हैं वो इस हॉस्पिटल में दिए, PIMS हॉस्पिटल है, CDA हॉस्पिटल है, या फेडरल हॉस्पिटल है, या NIH है, इसमें तकरीबन 50% डॉक्टर यहाँ के गए। टाइम ख़त्म हो रहा है लेकिन नाज़रीन को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर आप तफसील भी बता देंगे, जो आप हर साल गिलगित बल्तिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की एक टीम ले जाते हैं, वहाँ पर महीने महीने का कैंप लगाते हैं, ये मेरी समझ के लिए मुझे बताएं और नाज़रीन की भी ये बताएं कि ये वहाँ पर फिर उसका खर्चा वर्चा कौन बर्दाश्त करता है? ये हमारी एक तंजीम है बल्तिस्तान डॉक्टर्स फोरम, उसके अंदर कोई 60 के करीब हम डॉक्टर हैं जो इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर वगैरह में रहते हैं, ये हम लोग खुद चंदा जमा करते हैं, फिर बाज़ हमारे जो यहाँ के दोस्त डॉक्टर हैं वो वॉलंटियरली हमारे साथ जाते हैं, हम वहाँ सर्जरीज़ करते हैं, वो सर्जरीज़ करते हैं जो वहाँ नहीं होती हैं, अगर यहाँ आ जाए तो उनका 2-3 लाख रुपए खर्चा होता है, तो हम तकरीबन 10-15 दिन जो है वहाँ जाते हैं, हम 30 के करीब डॉक्टर्स जाते हैं, ये हम हर साल करते हैं, ये हमने वादे किए उस इलाके के जहाँ से हमने डोमिसाइल लिया है, जहाँ सारा को जाके फ्री करते हैं, वहाँ बिल्कुल फ्री करते हैं, ऑपरेशन भी फ्री, सब कुछ ऑपरेशन भी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, टेस्ट भी करते हैं, सब कुछ फ्री कर देते हैं। उस दिन के बाद से मैंने कहा बुलादा बीपी भी डाउन हो गया है, कम हो गया। तो शुक्र है चौधरी साहब आप इधर बैठे हुए, मैं पूरे हॉस्पिटल में आपको ढूंढ रही हूँ। ये है आपकी दवाई का टाइम हो रहा है, आपने दवाई नहीं लेनी? ये मैं डॉक्टर साहब दवाई लेने आया हूँ, कोई बात नहीं है, असल में अच्छा सेनेट का इलेक्शन हुआ ना तो कमजोरी आगा हार गया है, तो बस मैंने कहा वो शुगर लेवल तो लो ही रहता है, बीपी में लो हो गया, जिस वजह से डॉक्टर साहब कहते हैं घबराने की बात नहीं है, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा कम हुआ है, कोई परवाह नहीं, परेशान ना हो। अच्छा, तो आपको इलेक्शन हारने का इतना सदमा हुआ चौधरी साहब? तो दौड़ गया है, मुकाबले लिए आगा को 8 वोट मिलने चाहिए थे, उसको मिले 5, तो मेरा मशवरा माने, बाकी पार्टियों की तरह ना धांधली का इल्जाम लगा लें आप भी, ले एक ही गल करनी है, हाँ ना ये कर ले, अगर ये धांधली का इल्जाम लगा दिया तो जो जिन 5 ने वोट दिया लगता वो भी साढ़े निकलने हैं जी। हैं जी, ले जी, मैं तो सेनेट के इलेक्शन के बाद अपना BP चेक कराने आया था उनसे जी, और डॉक्टर साहब ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी अब आप आ ही गए हैं तो हमारी जो टीम है उससे मिल के जाएँ, डॉक्टरों के जो मसले मसाइल है उनसे भी बात करें, हॉस्पिटल के ऊपर भी बात करें, तो मैंने कहा चले ठीक है फिर चले जाते हैं, तो अभी हम ये जो पुलिस के फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल है इसकी जो है वो लाइब्रेरी उसमें हम मौजूद हैं, तो नाज़रीन आज चौधरी की जो बैठक है वो इधर ही लगेगी हैं, और आप देख रहे हैं कि इस बैठक में डॉक्टर जो शरीफ अस्तूरी साहब हैं, तर्जमान हैं पुलिस क्लिनिक के और ब्लड बैंक के इंचार्ज भी हैं,
ایک ہنس مکر خوبصورت انسان ہے جی، تو انہوں نے ادھر جو ہے نا وہ گلدستہ اکٹھا کر دیا ہے جی، یعنی کہ وہ کوئی جنسی امتیاز اور صنفی امتیاز جو ہے نا وہ نہیں رکھا ہے، خواتین بھی ہیں اس میں، نوجوان بھی ہیں، ینگ ڈاکٹر ہیں، ینگ سے زیادہ. تو بہت اچھا کہ آپ نے چودھری صاحب پولیٹیشین سے نکل کے ڈاکٹرز کے پاس آ گئے، ان کے مسائل بھی پتہ چلیں گے اور یہ ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں گورنمنٹ سے، گورنمنٹ مانتی ہے نہیں مانتی، اس سب پہ آج ہم بات کریں گے. تو شروع کریں پھر. جی جی شروع کریں. ڈاکٹر شریف صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اپنے اپنی ٹیم کو بھی اکٹھا کر لیا ہے اور مجھے بھی آپ گھیر گھور کے ادھر لے آئے. چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بیٹھک جو ہے آج ہمارے ہسپتال میں لگائے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ نے سیاست کے اوپر تو بہت پروگرامز کیے ہیں، آج ہم پروفیشنل لوگوں کے اوپر بھی پروگرام کر رہے ہیں، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں آپ نے بیٹھک یہاں لگایا ہے. میرے ساتھ اس وقت جو ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن کے بھی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، سرجن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فزیشین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نرسنگ سپرنٹنڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ہسپتال کو آپ کو علم ہے کہ یہ اسلام آباد کا سب سے پرانا ہاسپٹل ہے اور اس ہاسپٹل میں جتنا سروس دیا ہے شاید اسلام آباد میں کسی اور ہاسپٹل میں اتنا سروس نہیں دیا ہے. وہ اس لیے کہ یہ ہسپتال سن 1966 میں بنا اور جب یہ بنا تو تقریباً 50-60 آدمیوں کے لیے بیڈس کے لیے بنا تھا، لیکن آج ہم اس میں 600 کے قریب بیڈس لگائے ہیں اور 7,000 سے 8,000 ہم مریضوں کو روزانہ دیکھتے ہیں. اس ہسپتال کا صرف یہ بلڈنگ یا یہ ہاسپٹل ہی نہیں ہے بلکہ ہم اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں 33 ڈسپنسریز بھی ہم چلاتے ہیں جہاں ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، دوائیاں ہیں، ڈسپنسر ہیں، پوری فیسلٹیز ہم نے مختلف سیکٹرز میں اور مختلف سیکٹریٹ میں ہمارے جو ڈسپنسریز موجود ہیں. تو اس ہاسپٹل میں اسلام آباد کا تقریباً بوجھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہنا پڑتی ہے کہ گزشتہ 30-40 سال سے کوئی بڑا ہاسپٹل ابھی تک نہیں بن سکا، جبکہ آبادی جو ہے چودھری صاحب 22 لاکھ کے قریب چلی گئی ہے اسلام آباد کی. اسلام آباد کی مجھے تو کوئی بتا رہا تھا کہ 8 لاکھ ہے. نہیں 8 لاکھ نہیں، اب جو لیٹسٹ جو سٹیٹسٹک ہے 22 لاکھ ہو گئی ہے. 22 لاکھ تک ہو گئی ہے. بڑی بات ہی بات کی بھائی، تو بڑھ گئی ہے نا، 8 لاکھ ہی رہتی کہ ہمیشہ. چودھری صاحب آپ بزرگ آدمی، آپ یاد نہیں رکھتے ہیں، یہ 22 لاکھ تک چلی گئی ہے. اسی لیے اس کے ہلکے بھی 2 سے بڑھا کے 3 کر دیے ہیں، تو وہ 3 اس لیے بن گئے کہ آبادی زیادہ بڑھ گئی ہے. چلو شاید بھی ایک آدھا امیدوار ہمارا اور کوئی جیت جائے. جی بالکل، ایک اور آدمی جو ہے سیاستدان جو ہے فرسٹ لائن میں آ جائے گا. تو میرے ساتھ جو ہے ہماری نرسنگ سپرنٹنڈنٹ ہے، یہ بھی تھوڑا بات کرنا چاہیں گی. بالکل بالکل، گزارش کرتا ہوں کہ ہماری نرسنگ سپرنٹنڈنٹ تھوڑا سا ان کا پہلے تعارف کرا دیں. جی تو یہ جی جو میرے بولا اسٹر نرسنگ سپرنٹنڈنٹ صاحب، ڈاکٹر تسنیم ہے جی اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، خلیق الرحمان صاحب ہیں سرجن ہیں، ڈاکٹر سورت الاسلام یہ فزیشین ہیں، ڈاکٹر ساویدہ الیاس میڈیسن سے ان کا تعلق ہے، اور ڈاکٹر مصطفیٰ سولنگی صاحب یہ بھی اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. وہ آپ لوگوں کو دوائیاں جس طرح مشکل نام کی ہوتی ہیں اسی طرح ہم نے ڈاکٹر بھی ایسے جمع کیے جن کے نام بڑے سخت ہیں. اصل نام ہے، اوریجنل نام ہے اور شناختی کارڈ میں یہ نام لکھے ہوئے. یہ جو نرسنگ سپرنٹنڈنٹ صاحب ہیں ان کو ذرا مائک دیجیے گا. تھینک یو میڈم، بڑا شکریہ آپ کے وقت دینے کا. نرسنگ کا جو کردار ہے، جو نرسنگ کا جو شعبہ ہے ایک ہاسپٹل میں، وہ بڑا اہمیت کا عمل ہوتا ہے. جی پتہ کہتا ہے جی، وہ مریض بھی ہو تو آدھا بندہ وہ جو نرس جو کیئر کرتی ہے اس کی کیئر سے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے جی؟ یہ بات تو بالکل درست ہے، اس لیے کہ 24 آورس تو ہماری نرسز آن ڈیوٹی ہوتی ہیں، انہوں نے ہماری کوئی شفٹ خالی نہیں ہوتی. ہماری اسٹوڈنٹ نرسز ہیں، اسٹاف نرسز ہیں جو 24 آورس ڈیوٹی، چونکہ ڈاکٹر تو راؤنڈ کرتے ہیں، ایڈوائز کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو پیشنٹ کیئر ہوتی ہے وہ ہماری نرس نے کرنی ہوتی ہے. تو نرسیں خوش ہیں اس ہاسپٹل میں؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ وہ خوش ہیں، بالکل خدا کا شکر ہے. روٹی شوٹی ٹھیک مل رہی ہے؟ روٹی شوٹی ٹھیک مل رہی ہے. ہاں جی چودھری صاحب بالکل. اچھا ہاں جی، زیادہ تر لوگ گھر سے آتے ہیں تو گھر میں روٹی تو ٹھیک ہوتی ہے. کوئی ایسا مریض جنہیں کوئی بہت زیادہ تنگ کیتا ہے؟ بہت زیادہ مریض اس طرح دے آتے ہیں، کہتے ساڈا مریض مر گیا تو اسی تہانوں بھی مار کے نال ہی لے کے جانا، اس طرح سچویشن بھی ہو جاتی. تو ان کو پھر کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ بس سم ٹائم ہمارے پاس ظاہر ہمارے میل نرسز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، سارے اکٹھے ہو کے
कवर करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर 15 को बुला लिया जाता है कि आके इन्हें काबू। वैसे अब तक ऐसा कोई केस हुआ कि? हाँ जी, बहुत दफा हाँ जी, बहुत दफा ऐसा हुआ। वो यही फिर डेथ केस होता होगा तब? जी, डेथ केसेस होते हैं, या कोई ब्रॉड डेड लेके आ गए हैं और फिर कहें जी नहीं, अब कहा कि जी ये तो ब्रॉड डेड है रास्ते में, नहीं जी क्यों डेथ हुई रास्ते में, तो वो फिर तोड़फोड़ हो जाती है कभी कभी। अच्छा डॉक्टर तस्नीम साहब, आपसे बात करते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये जो हॉस्पिटल्स की जो इस वक्त की जो आप समझती हैं कि क्या ये काफ़ी है कि ये मरीजों के लिए या एक्सटेंशन होनी चाहिए? क्योंकि मैंने सुना था ये सामने जो अर्जेंटीना पार्क है, इसको कई मरतबा कोशिश की गई कि यहाँ पे पुलिस की जो है इसको एक्सटेंड किया जाए। जी सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। इस वक्त जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एरिया ऑफ हॉस्पिटल और रूम्स उसके और एस उसी के अकॉर्डिंगली अगर डॉक्टर का प्रोपोर्शनेट देखें तो वो उतना ही है जितना पहले था। तो हम लोगों ने जब से टीचिंग हॉस्पिटल बना है तो एक बेनिफिट एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है, वो ये कि हम इसमें TRMOs को हर डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू द सुपरवाइज़र, कितने सुपरवाइज़र हर डिपार्टमेंट में है, तो उसके अकॉर्डिंग TRMOs हर डिपार्टमेंट में आना शुरू हो गए हैं। तो वो डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं एज अ टीचिंग हॉस्पिटल इस अस्पताल में, तो वो डॉक्टर का नंबर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ गया है। तो उससे मरीज को कोप करने की कोशिश तो की जाती है कि सबको प्रॉपरली टाइम दिया जाए उनको, क्योंकि पेशेंट की ट्रीटमेंट में सबसे मेजर पार्ट है काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग को टाइम दे रहे हैं तो 50% ट्रीटमेंट आप पेशेंट की वहीं अपने रूम में बैठ के कर लेते हैं। मरीज को आप कोई काउंसलर वगैरह बनाने की तरबियत देती हैं? नहीं सर, काउंसलिंग का मतलब है कि उसको उसकी बीमारी के बारे में बताना और उसकी बहुत सी ट्रीटमेंट ऐसी होती है जो उसकी खुराक से, उसकी वॉक से, जैसे ब्लड शुगर अगर हम देखें, डायबिटीज को देखें, तो डायबिटीज में जितनी जरूरी दवा खाना है उतना ही जरूरी वॉक करना है। ये मेरा डॉक्टर मुझे यही कहता है। जी बिल्कुल, यही कहता है, वॉक रोटी घट खाता है, वॉक ज्यादा कराता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है शुगर के इलाज का। जी, लेकिन जी, जब डॉक्टर इतना बर्डनड होता है, इतना मरीज होता है, तो वो काउंसलिंग नहीं कर पाता, उतना टाइम नहीं दे पाता, तो फिर ट्रीटमेंट सिर्फ एक दवा दे जाने से मरीज का इलाज पूरा नहीं हो सकता। और इवन जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनका तो इलाज होता है उन्हें कोई सुनने से, तो वो अगर डॉक्टर उन्हें सही टाइम नहीं दे पाएगा तो वो फिर। बिल्कुल, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में तो कम से कम 70% जो इलाज है उसका वो तो है ही काउंसलिंग। उसकी सिर्फ उसकी अकेले की काउंसलिंग नहीं बल्कि उसके अटेंडेंट्स की भी काउंसलिंग, उसके घर वालों की भी, कि वो इसको कैसे ट्रीट करें, इसको किस तरह कंसिडर करें कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है और इसकी बातों को किस लेवल पर लेकर जाना है, क्योंकि उनके अंदर जो है ना सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी होती हैं। तो इंसानी जान बचाना ही डॉक्टर की जिम्मेदारी है सबसे बड़ी। चलें जी, खलीकुर रहमान साहब से बात करते हैं ताकि हम सारे दोस्तों से बात करके ना फिर दोबारा फिर डॉक्टर रसपुरी साहब की तरफ आ जाएंगे। खलीक साहब, आप सर्जन हैं, ये क्या सर्जरी करते रहे बंदे, तो चीज फाड़ करते रहते। बंदा जाहिर है खुला होता है, मजबूरी होती है इंसान के एक जिस्म को। ये मोटी किताब रखी है, अल्लाह खैर ही करे हैं। भाई जाहिर है इंसानी जिस्म से खेलते हैं, कोई खेल कूद का काम तो है नहीं। हाँ। पूरी जिम्मेदारी है एक इंसान, आपकी रूह है, उसका जिस्म है, उसकी सोच है। तो वो एक फिर आपको पूरी जिम्मेदारी रखनी पड़ती है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है। आप भी आजकल वो बड़ा चला हुआ है जी, वो यंग डॉक्टर, तो यंग डॉक्टर वो आजकल हड़ताल पर ही कर देते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें सर, आप के हर चीज़ के लिए जो है ना इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन एक जो जिसे क्रीम ऑफ द नेशन कहा जाता है उसको कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाता। ब्रेन क्यों ड्रेन आउट हो रहा है, कभी इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। क्या वजह है कि हमारे रिसोर्सेज, इस्लामाबाद अभी पॉली क्लिनिक है, उस ज़माने में हॉस्पिटल बना था, आज तक इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जो जिस सर्विस स्ट्रक्चर में डॉक्टर आता है, 17th ग्रेड में मेडिकल ऑफिसर आता है, वो सालों FCPS की डिग्रियां कर ले, जो कर ले, उसको मेडिकल ऑफिसर का ऑफिसर ही है, जबकि बाकी इसके मुकाबले में लोग तरक्की करके सेक्रेटरी लेवल तक पहुँच चुके होते हैं। तो एक क्रीम ऑफ द नेशन के लिए एक डिप्रेशन और एक मायूसी का वो है अलमिया है, कि फिर वो सोचता है कि जब यही चीज़ में कहीं बाहर जा के इसी मेहनत में मुझे अपने घर वालों को बेहतर सपोर्ट कर सकता हूँ, अपने माँ बाप, अपने फैमिली के ख्वाब पूरे कर सकता हूँ और इंसानियत की बेहतर खिदमत कर सकता हूँ। आप यहाँ देखें, अगर आप किसी पेशेंट की यहाँ पे तो चलें पॉली क्लिनिक में, फिर इस हिसाब से बेहतर है कि आपको इन्वेस्टिगेशन कराना चाहें या जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं वो चलें पेशेंट्स को फ्री हैं, लेकिन आप कहीं बाहर बैठते हैं और कि गरीब पेशेंट आता है आपके पास, आप उसका इलाज करना चाहते हैं, आप उसके आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं, आप सोचते हो यार मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊँ कि ना कराऊँ, बंदा अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो आपके लिए एक बड़ी मायूसी है
یہاں پہ جو آپ کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. اب یہ کام ڈاکٹر نے تو نہیں کرنا کہ وہ کہیں سے جا کے یہ دوائی کا بندوبست بھی کر کے لائے, اور وہ بھی وہ بیچارہ خود کھانے پینے کے اس کو باندھے ہیں آج کل, یہ حالات ہیں. ڈاکٹر سہولت علیہ السلام صاحب, آپ ماشاء اللہ فزیشین ہیں, یہ فزیشین کیا کرتا ہے ویسے جی؟ فزیشین بغیر کسی کاٹنے کے اپنی نالج سے جو ہے کسی بھی بیماری کی پہلے ڈائگنوزس کرتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اچھا جی, یہ اس سے بھی زیادہ موٹی کتاب آپ نے اپنے سامنے رکھی ہے, اسی چکر میں بس یہی وہ نالج ہے جو ہمیں اپنے مائنڈ میں ڈالنی ہوتی ہے, اور اسی نالج کو جو ہے اپلائی کر کے جو ہے نا پیشنٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے یوز کرنا پڑتا ہے. یہ جو ابھی خلیق صاحب نے بات کی ہے سرور اسٹرکچر کی, یہ ایشو کس لیول پہ حل ہونا چاہیے؟ یہ ایشو پہلی بات ہے ہمارے یہاں پر گورنمنٹس بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں کسی چیز کو جو ہے وہ امپورٹنٹ کنسیڈر کر کے. یہ ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے, اگر حکومت اس کو صحیح طریقے سے ٹیک اوور کرے اور ہماری جتنی بھی وہ لیول کے اوپر ڈیفیشنسیز ہیں کہ جی ڈاکٹرز جو کہ کہا جاتا ہے کہ جی کریم آف نیشن ہے, لیکن اسی کریم آف نیشن کو اوپر سے ہی نکال کے فارغ کیا جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا سا پرابلم بنائے گی وہ چیز. کیونکہ ہم جس طرح آپ کو یہ صرف موٹی کتابیں صرف اٹھانے کے لیے نہیں ہوتی, ان کو یاد کرنا, ان کو سمجھنا, پھر اسی نالج کو اپلائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بڑا اوکھا کام ہے جی, بڑا اوکھا کام ہے جی, بالکل. سیاسی کام تھوڑا جناب, ادھر آئے ادھر بولتا ہے تو چلے گئے. ڈاکٹر ساویدہ نہ ہی بڑے مشکل نے, ساویدہ الیاس ہیں جی, میڈیسن سے تعلق ہے جی. دوائیاں شائیاں ادھر ادھر کر دیو. نہیں, میڈیسن کا مطلب دوائیاں ادھر ادھر کرنا نہیں, میڈیسن کا مطلب ہے کہ فزیشین ہونا, کہ ہم فزیشین ہیں اور مطلب ساری بیماریوں کا ڈائگنوسس, تشخیص کرنا, انہیں علاج کرنا, مطلب فزیشین کو برین آف دا ہاسپٹل کہا جاتا ہے. آج کے موسم کے حساب سے کون سی بیماری زیادہ جو ہے چل رہی ہے, جس سے زیادہ مریض آتے ہیں آج کل؟ یہ ابھی پیچھے جو سوائن فلو بہت زیادہ تھا, اب پھر ڈینگی آنا شروع ہو گیا ہے. جیسے جیسے موسم آگے جائے گا تو ڈینگی, ملیریا اور یہ گیسٹرو انٹرائٹس جو پیٹ کی خرابیاں وغیرہ, یہ زیادہ آنا شروع ہو جائیں گی, ٹائیفائڈ, اس طرح کی چیزیں. اچھا 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 اچھا. ڈاکٹر مصطفیٰ سولنگی صاحب, اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. مصطفیٰ صاحب, اس آپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے, یہاں پہ جو ایشوز ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہاسپٹل کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اچھا اچھا, وہ کتنے کرنا ہے؟ ہاں, بلو ون روف جو ہے نا, ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کوئی ہیڈ انجری کا پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس, تو ہم سی ٹی اسکین نہیں ہے, ہمارے پاس ایم آر آئی نہیں ہے, اور کافی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں, وہ نہیں ہیں ہمارے پاس. اچھا, ہاں یہ ہونا چاہیے جی, ہونا چاہیے. یہ آج کل میں نے دیکھا ہے وہ میڈیسن والی پرچیاں تو آپ کاٹ کے دے رہے ہوتے ہو, کیونکہ مارتے ہیں آپ سین سین. ہاں, میں میڈیکل مین فارمیسی کا جو ہوں, انچارج ہوں. اچھا, اور اس میں تقریباً 7-8 ہزار لوگوں کو میں ڈیلی ڈیل کرتا ہوں. اچھا, ہاں اتنے لوگ آتے ہیں؟ اتنے لوگ آتے ہیں دوائی لینے. ہاں, اور جو ہے نا ہمارے پاس بہت مہنگی دوائیں بھی ہم ڈلیور کرتے ہیں. اچھا اچھا, اور ہم بلڈ پریشر, شوگر اور سی اے کے پیشنٹ, کینسر کے پیشنٹ کو میڈیسن فری پرووائڈ کرتے ہیں ہم. اچھا اچھا اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ فری دی جاتی ہے, ورنہ تو بندہ ہاسپٹل میں چلا جائے. ملتی ہیں اور مطلب عام بندہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا, اس کی جمع پونجی ساری لگ جاتی ہے ادھر. ناظر, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر شریف صاحب سمیت سب سے پوچھیں گے چلی دوائیاں کیوں نہیں ختم ہوتی ہیں, ان سب سے بات کرتی ہے نا, اس کا ذمہ دار کون پکڑے کیوں جاتے ہیں؟ آج کا تو چیف جسٹس صاحب بھی بڑا اس کا نوٹس لیا ہوا ہے, ہاسپٹل کا دورے کر رہے ہیں. وقفے کے بعد